महाराष्ट्र में गौवंश हत्याबंदी कायदा लागू होने के बावजूद भी भारी पैमाने पर गौवंश तस्करी हो रही है और ये पूरा गौवंश एमपी से आ रहा है। पुलिस प्रशासन के नाक के नीचे से यह सब कार्रवाई हो रही, पुलिस कार्रवाई कर रही, लेकिन जिस प्रकार जिस पैमाने पर कार्रवाई होना चाहिए उस पैमाने पर कार्रवाई नहीं हो रही। इसलिए हम माननीय जिलाधिकारी साहब को आज निवेदन देने आ रहा है कि ये इस पर रोक लगाई जाए, क्योंकि बहुत भारी पैमाने पर गौवंश की कटाई हो रही है और इस पर तुरंत अमल किया जाए और पुलिस विभाग को इसकी अमल में लाने की सूचना दी जाए। अन्यथा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल रोड पे उतरेगा। जय श्री राम। अमोल रमेश राव चौधरी, बजरंग दल प्रखंड संयोजक तिवसा। आज तिवसा शहरात होत असलेल्या अवैध गौवंश तस्करीबाबत मान्य तहसीलदार साहेब व मान्य पोलीस निरीक्षक मॅडम यांना आज तिवसा बजरंग दल प्रखंड तिवसाच्या वतीने आज निवेदन देण्यात आले। अन्यथा बजरंग दल प्रखंड तिवसा रोडवर येऊन आक्रमक पवित्रा निभावेल असा इशाराही बजरंग दल प्रखंड तिवसाच्या वतीने मान्य तहसीलदार साहेब मान्य पोलीस निरीक्षक मॅडम यांना देण्यात आला। अमरावती जिल्ह्यातील प्रत्येक बातमी तुमच्या मोबाईलवर सर्वात आधी पाहण्यासाठी आमच्या अमरावती टुडे न्यूज या YouTube चॅनलला आजच सबस्क्राइब करा आणि हो, बेल आयकॉन नक्की प्रेस करा।